देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए हम नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। राजकुमार राव भूमि पेडनेकर ने बधाई दो से अपना पहला लुक जारी किया। यौन उत्पीड़न मामला क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे एक्टर दिलीप, लगातार दूसरे दिन होगी पूछताछ। स्मृति मंधाना बनी 2021 की आईसीसी महिला क्रिकेटर। जापान ने भारत को महिला एशिया कप हॉकी में 2-0 से हराया। मगरमच्छ से भाई को बचाने वाले धीरज ने पीएम से कहा, फौजी बनकर करूंगा देश की सेवा। 26 जनवरी को मिलेगा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। 27 जनवरी को वर्चुअल रूप से पहली भारत मध्य एशिया बैठक की मेजबानी करेंगे पीएम मोदी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा, सिद्धू को मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश पाकिस्तान से आई थी। केजरीवाल की लोगों से अपील, वीडियो बनाकर चुनावी राज्यों को बताएं दिल्ली के अच्छे काम। आपकी उपलब्धियां आपकी उम्र से ज्यादा बड़ी हैं, पीएम मोदी ने कर्नाटक के बाल पुरस्कार विजेता से कहा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह शामिल हैं। यूपी में सपा ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट, अखिलेश यादव समेत 159 के नाम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष सौमित्र खान पर राजनीति कर रही हैं नौटंकी ममता बनर्जी। बीजेपी 65 सीटों पर लड़ेगी, अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब में 37 सीटों पर, जेपी नड्डा ने कहा। पंजाब में बीजेपी 65, पंजाब लोक कांग्रेस 37 और ढींढसा 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड चुनाव के अंतर्गत हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे, सीईसी की बैठक में आज अंतिम मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधायक विजय मिश्रा को जमानत देने से किया इनकार। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यापक कदम उठाए तो कोविड-19 महामारी 2022 में खत्म हो सकती है, WHO प्रमुख ने कहा। अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी विशेष दूत तालिबान के साथ मानवीय वार्ता के लिए नॉर्वे पहुंचे। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति को हिरासत में लिया जा सकता है, रिपोर्ट ने किया दावा। IAS कैडर नियमों में बदलाव से केंद्र को अधिकारियों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी, अपूर्व चंद्रा ने कहा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को मिली पहली महिला जज, जस्टिस आयशा मलिक ने ली शपथ। ईडी ने धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु के कारोबारी धनराज कोचर, उनके परिवार की 59.14 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। मनाली ले हाईवे पर हिमस्खलन, पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह। बीजेपी नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला जारी, विधायक जितेंद्र वर्मा के बाद अब अनिल वर्मा भी सपा में हुए शामिल। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जारी की पहली लिस्ट, आजम खान रामपुर से लड़ेंगे। ड्यूटी के दौरान बर्फ में दबकर शहीद हुआ बागपत का लाल, गांव में सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फिर मिला रिकॉर्डेड कॉल, दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराने की धमकी। पंजाब में हाई कोर्ट ने ड्रग्स मामले में शिया नेता विक्रम सिंह मजीठिया की जमानत अर्जी खारिज की। दिल्ली में 25 जनवरी सुबह 6 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे मेट्रो के पार्किंग लॉट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में आई तेजी, वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद जन्मभूमि परिसर में प्लिंथ निर्माण कार्य की रखी जाएगी आधारशिला। कर्नाटक में कोरोना के मामलों में आई गिरावट तो हटाया गया वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली की अदालत ने भड़काऊ भाषण के लिए देशद्रोह के तहत सरजील इमाम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली मेट्रो सेवाओं में आंशिक रूप से कटौती की जाएगी। संबित पात्रा ने अखिलेश और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जो करे जिन्ना से प्यार वो कैसे करे पाकिस्तान से इनकार। यूपी चुनाव के दूसरे चरण के लिए बसपा ने 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की। सीएम फेस से जुड़े सर्वे को लेकर सिद्धू ने आपके खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। भारत में दैनिक कोविड-19 मामलों में 15 फरवरी के बाद गिरावट शुरू हो जाएगी, सरकारी सूत्रों का कहना है। जापान ने यूक्रेन में अपने नागरिकों से संभावित तनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। पाक के सिंध में जातीय विभाजन को बढ़ावा देने वाले राजनीतिक दल, प्रांतीय मंत्री ने कहा। त्रिपुरा हिंसा की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केरल के अंतर्गत दुबई से चप्पल के अंदर छुपाकर लाया सोना, कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर किया गिरफ्तार। 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 3,06,064 नए मामले, ठीक हुए 2,43,495 लोग। दिल्ली में कोरोना के 5,760 नए मामले, 45,000 के पार पहुंचे एक्टिव केस। चन्नी बोले केजरीवाल माफी मांगने में माहिर, भगवंत मान स्टेज पर अच्छा कर सकते हैं, स्टेट में है। UPTET परीक्षा, STF ने सॉल्वर गैंग सरगना समेत 9 लोगों को किया अरेस्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 731 सड़कें बंद।
चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देना पड़ा भारी, बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ केस दर्ज। पंजाब से कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, शहनवाज हुसैन ने कहा। भारत में पहले इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक लॉन्च, सिंगल चार्ज में देगी 220 किलोमीटर की रेंज और 1,68,000 रुपए है कीमत। एनजीटी का कहना है कि नसफगढ़ झील के कायाकल्प के लिए पर्यावरण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के साथ वेटलैंड नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। सैमसंग गैलेक्सी S22 यूरोपीय मूल्य निर्धारण लीक, अल्ट्रा मॉडल के लिए कम रैम पर संकेत। 25 जनवरी को गैर सरकारी संगठनों के FCRA लाइसेंस रद्द करने के MHA के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ग्लोबल यूथ आइकन अवार्ड 2022 का सफलतापूर्वक समापन किया। सपा ने आजम खान को रामपुर और नाहिद हसन को कैराना से दिया टिकट। विशेषज्ञों का दावा, खतरा भी टला नहीं, अगले 14 दिनों में आएगा कोरोना का पीक, आर वैल्यू में आई गिरावट। UAE वायुसेना ने यमन में मिसाइल लॉन्चर को नष्ट किया। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किए गए मुरादाबाद के अभिनव चौधरी, छोटी सी उम्र में किया ये बड़ा काम। रिपब्लिक डे को लेकर अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस, 20,000 जवान तैनात, राकेश अस्थाना ने कहा। उत्तर भारत में होगा ठंड कोहरे का डबल अटैक, जनवरी में बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। और आइए अब जानते हैं 25 जनवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1971 की, जिसमें हिमाचल प्रदेश बतौर राज्य वजूद में आया था। सन 1880 में भारतीय ब्रह्म समाज की शुरुआत प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन ने की। सन 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। सन 2002 में भारतीय वायुसेना के पहले एयर मार्शल अर्जुन सिंह बने। तो ये थी अब तक की बड़ी सुर्खियां। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।